भाई पोर्शे भाई क्या सेक्सी लग रही है भाई, इनको नहीं पता क्या आंटी भाई सेक्सी लग रही है डुकाटी भाई साहब भाई मस्त भाई के भाई यार। इधर के ना रास्ते पता नहीं है भाई, इधर क्योंकि राइड बहुत ही कम होती है तो इधर के रास्ते ना भूल जाता हूँ यार। यार गुड़गांव पसंद नहीं, पूरा दिल्ली क्रॉस करके गुड़गांव में इधर आओ, इधर जाते टाइम पे भाई ट्रैफिक बहुत मिल जाता है, इसलिए नोएडा अपना राइड करना अच्छा लगता है भाई। उधर निकल जाओ हाईवे पे राइड करो और जल्दी से घर पहुँचो, इतने बजे तो घर भी पहुँच जाते। बट यहाँ पे भाई आज KTM के शोरूम पे गया था जिन्होंने राइड ऑर्गेनाइज करी थी गाइस, अच्छा लगा। ये भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है और अपना सुपर बाइक के साथ राइड करना वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई। तो दोनों का एक्सपीरियंस अपना अलग अलग है, दोनों के मज़े अलग हैं भाई। पीछे चल रही है अपनी बहन हम मोहित भाई की पिता भाई, एकदम लाइट पड़ती है ना और पीछे से मिरर में देखो भाई क्या सेक्सी लुक आ रहा है भाई, क्या सेक्सी लुक आ रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं भाई। ये चेक करो भाई, एक नंबर में मॉडिफिकेशन और पूरा भाई रैप इतना बढ़िया कराया हुआ है भाई वैनम का, मस्त लग रही है भाई। एक्ट्राफोबिक का एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इसमें गाइस, कमेंट करो अगर आप चाहते हो मैं इस पर भी एक बढ़िया सा ब्लॉग बनाऊँ इसको राइड करते हो तो गाइस कमेंट करो, जल्दी आपको ब्लॉग मिल जाएगा। और गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको रील्स मिलेगी देखने के लिए भाई। ये रोड ना हमेशा बिजी रहता है भाई, रात में आ जाओ दिन में आ जाओ कभी भी आ जाओ, यहाँ भाई हमेशा ट्रैफिक रहता है भाई। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भाई वीक डेज में तो पैक होता है पूरा एकदम अच्छे से। तो अभी द्वारका के लिए इधर रास्ता है, ये किधर जा रहा है भाई, मुझे किधर जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई हार्ले डेविडसन यार, भाई सामने देखो प्लेन जा रहा है यार, क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई मज़ेदार। तो भाई अभी मैं किधर साइड जाऊँ, लेफ्ट या राइट, तो राइट साइड जाता हूँ आई थिंक वो एयरपोर्ट के लिए रास्ता होगा, मे बी आई एम नॉट श्योर, बट हमें मैप में इधर ही दिखा रहा है तो मैं इधर ही जाऊँगा भाई। भाई क्या व्यू आया था भाई, एरोप्लेन सामने से निकल के जा रहा था यार, खतरनाक। तो गाइस यहाँ पे एयरपोर्ट है, हवाई जहाज़ यहाँ पे भाई आते ही रहते हैं और भाई काफ़ी नीचे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको लैंड करना होता है तो काफ़ी नीचे निकलते हैं भाई। भाई पोर्शे भाई क्या सेक्सी लग रही है भाई, गुड़गांव साइड आओ और सुपर कार्स ना देखें पोर्शे वगैरह तो भाई। सो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट से, राइट साइड में हमारे हैं इंडिया गेट गाइस, ये चक्रो भाई इंडिया गेट राइट साइड में हमारे, यहाँ रुक नहीं सकते, ये इंडिया गेट है भाई। और ये यहाँ पार्क बने हुए, लोग घूमते रहते हैं यहाँ पे। एक टर्न गलत लिया और भाई पूरा रास्ता ही चेंज हो गया यार, मतलब अलग से निकलना था ऊपर उधर सराय कालेगांव होते हुए और ये भाई इधर का रास्ता मिल गया मुझे, कनॉट प्लेस इंडिया गेट ये सब। भाई चलो कोई बात नहीं भाई, इधर भी इंडिया गेट भी घूम लिया। यहाँ से निज़ामुद्दीन का रास्ता भी निकल, ओ भाई यू टर्न, चलो सीधा ही निकल लो। भाई क्या आवाज़ गूंज रही है भाई, ये चेक करो आवाज़ भाई साहब, टनल के अंदर तना भाई अलग ही साउंड आता है भाई, मज़ा आ गया यार, क्या एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा है मस्त। सर भाई क्या गजब का साउंड आ रहा था, मस्त बनाया है साउंड, देख रहे हो भाई क्या मस्त आ रहा है। भाई अंडर पास के नीचे ना गजब ही साउंड आता है भाई, सीधा रास्ता था वो नहीं मिला, पता नहीं कौन सा रास्ता गूगल मैप ने दिखा दिया भाई। दिल्ली में एक गलत टर्न
और आप किलोमीटरों तक आगे चले जाओगे उल्टा सीधा रास्ते में। अबे भाई नंबर कहाँ से भेजूँ, बाइक चला रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी कुछ नहीं भेज सकता। ये चेक करो भाई, आगे बंदे देख रहे हैं, ये देखो भाई। जब जगह मिलेगी तो थोड़ा फर्स्ट गियर की स्पीड चेक करेंगे, फिर सेकंड गियर, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर तक, फिर कभी गाइस आपको दिखा देंगे फिफ्थ सिक्स तक की टॉप स्पीड। कभी हमने एक्सप्रेस वे गया तो उधर करूँगा फिर टॉप एंड तक का। अभी तो भाई तो क्या आंटी, आंटी खुश हो रही थी। तो भैया देख के रोड क्रॉस करो, हाईवे है यार भाई, क्या एग्जॉस्ट है यार, मस्त। कौन सी बाइक है बस ये पता करना है भाई। भाई क्या ही सेक्सी लग रही है, डुकाटी भाई साहब, भाई मस्त बाइक है भाई। भाई मैं सोचूं भाई इतना मोटा टायर तो भाई सुपर बाइक का ही होता है भाई, मस्त यार। ट्रैफिक थोड़ा सा आगे निकलो और ये चेक करो भाई, एक नंबर। चलो भाई, भाई गया उधर, अपने निकलते हैं इधर ऊपर साइड। ये देखो भाई रिक्शे वाले, और यहाँ मिल गया हमें ट्रैफिक भाई, हद ही मचा रखी। बेंचो संडे वाले दिन भी ना इतना ट्रैफिक हो रखा है।